नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों लहसुन की तेज़ी मंदी के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लहसुन के जो अभी के भाव चल रहे हैं वो अच्छे से अच्छे माल के जो सुपर माल बिक रहा है, जो ऊपर में लगभग 45 से 5,000 रुपये तक बिक रहा है, और जो मीडियम माल है वो उसकी पोजीशन 25 से 30 रुपए के बीच में है। तो इसमें तेजी आएगी या मंदी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि लहसुन जब शुरू में इसका भाव खुला था 70 से 80 रुपए, तब लोगों को ये लगता था कि लहसुन इतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि उस टाइम में जब भाव गिरना शुरू हुए थे तो दोस्तों लोगों ने 45 से लगाकर, मतलब 35 रुपए से लगाकर 50 रुपए तक का लहसुन लोगों ने स्टॉक करा हुआ है, और उनको ये लगता था कि तेज़ी आएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ मद्दी मद्दी आई है लहसुन में, और वो लोगों के पास अभी भी स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, और काफ़ी माल पड़ा हुआ है, बहुत भारी मात्रा माल पड़ा हुआ है। और इस बार कंडीशन ये है लहसुन में कि लहसुन जो है ख़राब ज़्यादा हुआ है, उसमें जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो माल स्टॉक में पड़ा हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है, और अगर वो माल निकला नहीं है उसके बावजूद भी अभी जो लहसुन के रेट चल रहे हैं, एक एवरेज अपन लेके चलें तो हद से हद जो सबसे बढ़िया माल है वो 45 रुपये बिक रहा है, बाकी बम क्वालिटी का माल 30 रुपये से लगाकर 35 रुपये अभी तक चला आ रहा है, 2 महीने से यही कंडीशन है। तो अब दोस्तों, जैसे ही ये बरसात के 15 दिन 20 दिन और निकलेंगे, तो जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है वो लोग भाव को देखते हुए, क्योंकि तेज़ी बहुत कम है इसमें, तो अब वो लोग माल निकालेंगे। जब वो माल निकलेगा तो दोस्तों इसमें कम से कम भी, नहीं करते भी, 4 से 5 रुपए की मद्दी और है। तो अब आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा मेरा यही कहना है कि लहसुन में कोई तेज़ी की उम्मीद बहुत कम है। अगर दोस्तों जो माल ख़राब हुआ है, अगर वो वाकई पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो इसमें जो 5 रुपए की मैं जो मद्दी बता रहा हूँ उसके बजाय इसमें 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की तेज़ी बनती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तेज़ी आएगी, क्योंकि दोस्तों अब जो माल निकलना स्टार्ट होगा वो सीधा मंडियों में आएगा, और मंडी में जैसी आवक बढ़ेगी दोस्तों भाव टूटना शुरू होंगे, क्योंकि जो लोगों ने सोचा था कि इसमें तेज़ी आ सकती है, क्योंकि लोगों के पास जो 35 रुपये से लगाकर 50 रुपये तक का माल पड़ा हुआ है वो उन लोगों ने गीला माल लिया था और उसे सुखाया था, तो दोस्तों उनके जो माल के पड़ते बैठते हैं वो लगभग 55 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के उनके पड़ते बैठ रहे हैं, जो कि भाव मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो किसान भाइयों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास माल है तो आप इंतज़ार ना करें, उसे निकाल कर और बेच दें, ताकि अगर कोई भाव और कमी आती है तो आपको और नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि जहाँ तक मैंने राय ली है और मैंने मंडियों से और जिनसे भी पूछा है उनसे ये पाया है कि इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज़ी आना होती है दोस्तों तो ये जो बरसात का मौसम होता है यही एक टाइम होता है तेज़ी आने का। लेकिन एक और सिचुएशन बनती है, एक और संभावना बनती है कि जिनके पास बीज का लहसुन है जो बोने के लिए रखते हैं लोग, उसमें तेज़ी की पूरी पूरी संभावना है। जिनके पास अच्छा माल पड़ा हुआ है, जो ख़राब नहीं हुआ है, जो मरा नहीं है, और जिसमें बदबू नहीं है, जिसको बोया जा सकता है, दोस्तों उसमें ज़रूर तेज़ी आएगी। जिन भी किसान भाइयों के पास में अगर वो माल पड़ा हुआ है तो वो उसे रखें, और क्योंकि जो ख़राब माल है और जो एवरेज माल है, मीडियम माल है, उसमें तो तेज़ी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए किसान भाइयों, जिन भाइयों के पास भी माल है वो ज़्यादा नुकसान ना देखें, और जो भी माल पड़ा हुआ उसे बेचें तो ही काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि तेज़ी की मुझे उम्मीद नहीं लगती है। और फिर आपकी इच्छा है, मेरी जो रिपोर्ट थी वो तो यही कहती है कि लहसुन में तेज़ी की कोई ज़्यादा भारी संभावना नहीं है। अगर तेज़ी आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी मुझे नहीं लगता। लेकिन एक संभावना जो मैंने आपको बताई है कि जो माल ख़राब हुए हैं, अगर वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, अगर वो ना तो खाने लायक बचते हैं ना किसी और आइटम प्रोडक्ट बनाने के लायक, तो दोस्तों इसमें तेज़ी की तब संभावना बनती है। लेकिन अब माल लोग
बेचना शुरू करेंगे, जिनके पास भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें तेज़ी तो मुझे नहीं लगता, तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अगर मेरी राय सुनने के बाद भी अगर वो किसी और से राय लेना चाहे तो राय लेके और अपने माल को बेचें और ज़्यादा नुकसान ना उठाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए तेज़ी मंडी और मंडी के भाव हमेशा लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और सीधे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन बज जाए, आप उस वीडियो को सुन पाएँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।